हाय गाइस, आज का व्लॉग है मेरा बर्थडे व्लॉग, बिकॉज मेरा अभी बर्थडे था सैटरडे को। बट बर्थडे वाला दिन शुरू करने से पहले दिखाते हैं आपको फ्राइडे वाले दिन से क्या हुआ। सो पुराने व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम आईकिया गए थे मास्क के लिए, चेयर लेने के लिए, और उसके साथ में हमने ये बिब भी ले लिया जिससे कि वो अपने सारे कपड़े जो गंदे करता है वो ना हो, और इस चेयर पर बैठ के वो आराम से हैप्पीली अपना खाना खा सके और ख़ुद से भी खाना खाने की प्रैक्टिस शुरू कर दे, तो फ्यूचर के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। और शाम को हम लोग मिज़ैन को नीचे लेके जाते हैं, बिकॉज सारे बच्चे आते हैं किड्स प्ले एरिया में, तो मिज़ैन अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फिनिश करती हैं एंड देन जाके बच्चों के साथ खेलती हैं। और मिज़ैन के बर्थडे पे एक ये बहुत ही बढ़िया गिफ्ट आया था, बॉलिंग का पूरा सेट है, और मिज़ैन को बहुत शौक है बॉलिंग करने का, बिकॉज एक दो बार ही हमारे साथ गई हैं और मिज़ैन ने बहुत ज़िद करी थी, बट ऑब्वियसली वो बॉल इतनी हैवी होती है तो हम उसको नहीं दे पाए थे। तो जब वो इससे खेलती है तो उसको बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो मास्क को हमने नमाज के लिए रेडी कर दिया है, हालांकि अभी वो बहुत छोटा है, अभी तो हम लोग उसको मास्क भी नहीं लेके जा सकते, बट फिर भी अच्छा लगता है कि वो भी सबकी तरह फ्राइडे के दिन रेडी हो जाता है। इंशाल्लाह अगले साल से वो भी मसरूर के साथ जाया करेगा नमाज पढ़ने। और ये मेरा ग्रे वाला सूट मेरी सास ने मिज़ैन की दादी ने सिल के दिया था, और हम लोग मिज़ैन को सिर्फ एक बार बताते हैं कि कौन से कपड़े किसने भेजे हैं, किसने बनाए, और उसको याद रहता है, तो वो हमेशा सबको बताती है कि ये अम्मी ने दिया था, ये दादा ने, ये दादू ने, ये उसकी खाला ने, मामू ने, जिसने भी जो चीज़ लाई होती है उसको वो पता रहता है। और मसरूर भी आ गए नमाज़ पढ़ के, तो हम लोग सब बस घर वापस आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के, और अब हम फटाफट खाएंगे खाना, क्योंकि फ्राइडे को हम लोग मस्जिद जाते हैं तो आते आते लेट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है सबको। और जब तक हम लोग सब आए, माज अपना खाना वाना खा के सो चुके थे। माज का ये एक्चुअली कंदूरा था, पर ये छोटा होकर कुर्ता बन गया, तो इसको हमने, ये चूड़ीदार सारी शलवार थी इसके वाइट कुर्ते की, उसके साथ पहना दिया, तो आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है। वैसे इसके सारे कुर्ते पजामे जितने भी थे वो सब छोटे हो चुके हैं, तो यही एक चीज़ बची थी जो उसको आ रही है। और मिज़ैन को पता नहीं कहाँ से कैसे बैंगल्स का इतना शौक़ है, ना तो मैं पहनती हूँ ना पता नहीं उसने किसी को देखा घर में पहने हुए, कोई भी बैंगल नहीं पहनता, तो जब भी उसके नानी हाउस से कोई उसके लिए ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े आते हैं, सूट सलवार, तो वो लोग उसके साथ बैंगल्स ज़रूर भेजते हैं, तो उसके पास इतना ज़्यादा बैंगल्स का कलेक्शन है और वो हाथ भर के पूरी बैंगल्स पहन लेती है, जबकि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जैसे कि आप देख सकते हैं सारे बड़े बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उनको छोटों की चीज़ यूज़ करने का शौक़ होता है। अब मिज़ैन को मास की चेयर पर बैठ के खाना खाना है, और मिज़ैन खाने के साथ ऑलिव का पूरा डब्बा लेके बैठती है, ऑलिव बहुत ज़्यादा ही पसंद है मिज़ैन को। और हम लोगों ने ये नया डिनर सेट ऑर्डर करा था, और हमने ये कलर ऑर्डर करा था, बट बॉक्स पर जो बना हुआ है उससे डिफरेंट कलर आया, सो अच्छा तो हमें ये भी लग रहा है वैसे, बट इसमें एक मग कम है तो एक पीस मिसिंग है, तो नॉट श्योर हम ये रखेंगे या रिटर्न कर देंगे। आपको कैसा लगा ये कलर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम लोग एक्चुअली फ्राइडे शाम को किसी काम के लिए बाहर गए थे, और पीछे में मसरूर ने केक ऑर्डर कर लिया था, और पता नहीं किस टाइम आया केक और घर के अंदर कैसे आ गया, बिकॉज जब हम लोग बाहर से अंदर आए तो अंदर ऑलरेडी सब कुछ रेडी था। और मिज़ैन इज़ सुपर एक्साइटेड कि मिज़ैन का और मम्मा का बर्थडे, और मिज़ैन ने मुझे मेरी यूट्यूब की ट्रॉफी दे दी, बिकॉज सब लोग मुझे गिफ्ट दे रहे थे, तो मिज़ैन को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लेफ्ट आउट फील कर रही थी। और मसरूर पता नहीं क्यों इतना अननेसेसरी प्रेशर ले रहे थे मेरे बर्थडे का, बिकॉज हर साल तो हम किसी न किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं मेरे बर्थडे पर, बट इस साल हम लोग दुबई में ही हैं, तो ही वॉन्टेड टू मेक इट मोर स्पेशल एंड ही डजेंट वॉन्ट मी टू फील यू नो डिसअपॉइंटेड। एंड पहले वो रिजॉर्ट बुक कर रहे थे, फिर वो हाउस पार्टी प्लान कर रहे थे, अच्छा वो मेरे साथ डिस्कस कर लिया और मैंने मना कर दिया कि ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एंड मुझे अपने बर्थडे पे चिल करना है। और हम लोगों ने इंडिया के 12 बजे के हिसाब से केक काटा, बिकॉज हम लोगों की फैमिलीज वेट कर रही थी, ऑब्वियसली यहाँ के 12 बजे इंडिया में रात का 1:30 बज जाता है, सब लोग सो जाते हैं, और वैसे भी मैं इंडिया में ही पैदा हुई थी, तो यहाँ के 10:30 बजे थे जिस टाइम पर इंडिया में 12 बज रहे थे, और हम लोगों ने दोनों फ़ोन्स लगा दिए थे ट्राईपॉड में,
तो मसरूर की फैमिली और मेरी फैमिली हमारे साथ कॉल पे थी सब लोग, और फिर हम लोगों ने केक कटिंग करा। और छोटे बच्चों के साथ आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, और मुझे कब से थिएटर पर कोई बढ़िया मूवी देखनी थी, जब तक मिजैन बड़ी हुई फिर माज हो गया, तो मैंने इसलिए मसरूर को बोला था कि मुझे थिएटर में बढ़िया सी मूवी देखनी है और किसी बहुत बढ़िया जगह पर डिनर करना है। और इतने टाइम वेट करने के बाद फाइनली मेरे बर्थडे पे यानी कि कल रात को फ्राइडे नाइट को हम लोगों ने देखी स्त्री 2, बिकॉज वो थैंकफुली अमेजोन प्राइम पर आ गई है। और मिजैन गाड़ी में सो गई है, बिकॉज मिजैन को आफ्टरनून नैप नहीं मिल पाई, लंच के बाद बच्चे सोते हैं, तो मास तो अभी जाग रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जगा के रखें ताकि वो मूवी के टाइम पर सो जाए। और अब हम जा रहे हैं दूसरी मूवी देखने, मतलब कल रात को तो हमने घर पे ही देखी थी, अब हम जा रहे हैं थिएटर में एक बढ़िया मूवी देखने। कौन सी मूवी वो ऑब्वियसली आपको आगे पता चल जाएगा। और मैं इतनी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ बिकॉज मसरूर ने मिली जो इतनी सारी ड्रेसेस ऑर्डर करी थी मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी, उनमें से मुझे एक भी नहीं आई, बिकॉज अब वापस से मेरा साइज स्मॉल हो चुका है, तो मैं इतनी खुश हूँ कि अब मैं वापस से अपने पुराने साइज में आ चुकी हूँ। और इतने टाइम बाद मैंने आज ड्रेस पहनी है, बिकॉज मास्क को फिट कराना होता है इसलिए मैं ड्रेसेस नहीं पहन पाती हूँ। और हम लोगों को ट्रेलर से बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए वी डिसाइडेड कि हम ये मूवी ज़रूर देखेंगे, और हम लोगों ने रिव्यूज़ चेक नहीं करे, बिकॉज फिर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी ना किसी से, और फिर आप मूवी देखते टाइम आपके दिमाग में वही चल रहा होता है, तो चाहे मूवी अच्छी भी हो अगर आपने रिव्यू देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं बेकार है, तो फिर आपको बेकार ही लगने लगती है वो ऑटोमेटिकली। और मूवी हमें अच्छी लगती है या बेकार लगती है ये तो बात की बात है, पहला तो चैलेंज यही है कि हम दो बच्चों के साथ मूवी सुकून से देख पाएँ पूरी, तो ही बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग जिगरा देखने आए थे और ऑनेस्टली हमें बहुत अच्छी लगी, सो इट एक्चुअली मेड माई डे। सो व्हाट हैपेंड, तो हम आए थे निखार का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पे क्यूटीज में, और यहाँ पर किड्स अलाउड नहीं है, सो वी हैव टू किड्स, सो किड्स आर नॉट अलाउड, क्यों क्योंकि सब कुछ आउटडोर्स है, लोग शीशा वगैरह पी रहे हैं, सो नॉट गुड फॉर, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वी आर लाफिंग बिकॉज़ इट्स आवर बर्थडे, लेट्स गो टू सम अदर प्लेस। तो आप में से जो लोग दुबई रेजिडेंट्स हैं वो शायद जानते होंगे कि दुबई क्रीक यॉट क्लब जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये फाइन डाइनिंग रोमांटिक टाइप के रेस्टोरेंट हैं, तो पहले हमने क्यूडीज जाने का प्लान करा था, बट देन उन्होंने हमें अलाउ नहीं करा बच्चों के साथ, बिकॉज वो आउटडोर है और सब लोग शीशा वगैरह कर रहे हैं, स्मोक कर रहे थे, सो इट्स नॉट गुड फॉर किड्स, और हमारे लिए भी अच्छा नहीं, बिकॉज हम लोग भी स्मोक पसंद नहीं करते। और कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद हमारी किस्मत में उससे भी अच्छी जगह लिखी थी, इसलिए हम उसके बराबर वाले रेस्टोरेंट में आ गए, और ये पूरा पानी के ऊपर है और बहुत ही लाइक सुपर रोमांटिक प्लेस। और हम लोग पहले भी यहाँ आए हैं, मतलब दुबई ये जो क्रीक यॉट क्लब है यहाँ पर क्यूडीज़ में आए, बट यहाँ नहीं आए मसरूर में साथ में, तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हम दोनों का साथ में यहाँ पर, और बहुत ही सुपर रोमांटिक प्लेस थी। तो इसका नाम है बोर्ड वॉक, अगर आप में से किसी को भी अपने किसी स्पेशल इवेंट के लिए आना है, एनिवर्सरी, बर्थडे या डेट पे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, एंड नॉट अ पेड प्रमोशन गाइज, बट आई जेन्युइनली रियली लव दिस प्लेस। हैप्पी बर्थडे मामा, थैंक यू मेजो यूरिन से, हैप्पी बर्थडे, ओके हैप्पी बर्थडे मामा एंड हैप्पी बर्थडे मेजू। किसी का भी बर्थडे हो मेजू का उसके साथ बाय डिफॉल्ट होता है, सो हमें कहना पड़ता है हैप्पी बर्थडे मामा एंड मेजू। रियली? तो ये एक्चुअली टॉप सी फूड रेस्टोरेंट में से आता है, बट अगर आप सी फूड नहीं खाते हैं तो सबसे सेफ होता है पिज्ज़ा पास्ता, बट अगर आप सी फूड खाते हैं तो यहाँ पर आपको एकदम फ्रेश फ्रेश फिशेस, क्रैब्स, प्रॉन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, एंड आई डोंट नो और क्या क्या होता है सी फूड में, बट बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं एकदम लाइव यहाँ से पकड़ के आपको बना के खिलाएंगे ताज़ा ताज़ा। और अब क्योंकि अक्टूबर चल रहा है और वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो चुका है, सो वी वर डिसाइडिंग कि हम अंदर बैठें या बाहर बैठें, तो वी डिसाइडेड कि चलो बाहर ही बैठते हैं। और हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर करा था अपने लिए वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, और खाना मुझे एक्चुअली में कैसा लगा मेरे जेन्युइन रिव्यूज़ भी आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। और खाने में हमने फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर करा था बिकॉज ऑब्वियसली सी फूड प्लेस है, बाकी पिज़्ज़ा करा था, पास्ता करा था, जूस करा था, बट अभी जैसा आपको जितना परफेक्ट दिखने में लग रहा है उतना परफेक्ट था नहीं, बच्चों के साथ एक्चुअली में कैसा रहता है बाहर जाना वो भी आपको आगे वीडियो में देख के पता चलेगा। और इससे पहले कि आप लोग पूछे कि मसरूर ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, मसरूर ऑलरेडी इतने प्रेशर में थे कि इस साल हम मेरे बर्थडे पे कहीं बाहर गए नहीं घूमने के लिए, तो वो मुझे कुछ ना कुछ दिखाए जा रहे थे, ज्वेलरी, हैंड बैग, वॉच, कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें, बट एज़ आई हैव मैंशन मैनी टाइम्स कि आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक एट ऑल,
तो मैंने मसरूफ से एक ऐसा गिफ्ट मांगा था जो कि बहुत ही मुश्किल था देना। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ मैंने मांग ली जो देना मसरूर के लिए इतना मुश्किल था। हालांकि मसरूर ने मुझे देने की पूरी कोशिश करी बट चाहकर भी नहीं दे पाए। और वो चीज़ ये थी कि मैंने मसरूर से मांगा था कि अपने बर्थडे वाले दिन मैं कुछ भी नहीं करूँगी, यू विल हैव टू हैंडल द किड्स, मैं सिर्फ इंजॉय करूँगी। सो मसरूर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट दोनों बच्चों को अकेले संभालना, उनकी सारी मांगें पूरी करना। मामा हैप्पी बर्थडे, मामा हैप्पी बर्थडे मिजू, ओके हैप्पी बर्थडे मिजू, हैप्पी बर्थडे मिजू, से थैंक यू। और मास कुछ ना कुछ अपने गले में फंसा रहे थे, हम उसको कुछ भी खाने के लिए दे रहे थे तो ब्रेड वगैरह, इसलिए हमने मास को नींबू दे दिया, वो कपड़े में बंधा हुआ था, और उसको चाट के मास का रिएक्शन बहुत ही फनी था। हम लोग को हंसी आ रही थी उसकी शक्ल देख के कि नींबू खा के उसको कैसा लग रहा था। और बाहर हम लोगों के पसीने निकल आए और बच्चों को भी इतनी गर्मी लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो रहे थे। तो फिर हम लोग फिर वापस से आके अंदर बैठे और अब हमने सारा अपना जो ऑर्डर है वो अंदर टेबल पर मंगवाया है। और मास को इस टाइम तक बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैंने ड्रेस पहना हुआ था तो मैं उसको चाहकर भी ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी। यहाँ पर थिएटर में तो अंधेरा था और हमारी लास्ट की सीट्स थी तो मैंने करा दिया था, बट अभी मास को वैसे हमने खाना खिलाया है और हम लोगों का भी डिनर ऑलमोस्ट हो चुका है, अब बस हम चेकआउट कर रहे हैं तो अब फिर गाड़ी में जाके इसको फीड कराना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।